मैम एक दाऊ सिंह करके जन्म पुस्तिका फोर्जरी बना के वो जमानत है, उस पर क्या करना जी? जो प्रथम श्रेणी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो ऋण पुस्तिका देखकर जो जमानत लिया जाता है उसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हमारे पास जांच हेतु वो ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त होती हैं। इसी के तारतम्य में हमारे पास ऋण पुस्तिकाएं प्राप्त हुई तो जांच के दौरान हमने देखा कि एक ही व्यक्ति की एक ही बात भूमि और उसी गाँव की ऋण पुस्तिका चार ऋण पुस्तिकाएँ कुल हमारे पास अलग अलग न्यायालय से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हमने पटवारी द्वारा कराई गई और हमने देखा कि उन चार ऋण पुस्तिकाओं में से एक ऋण पुस्तिका तो सही है और बाकी तीन ऋण पुस्तिकाएं उसकी कलर फोटोकॉपी है। इस प्रकार जो देव सिंह है, दाऊ सिंह है निवासी देव बहाल, उन्होंने न्यायालय को जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से जमानत ली गई है, जिसका प्रतिवेदन हमने सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत कर चुके हैं। मैम ये पासबुक इसका फोटोकॉपी है करके कैसे पता चला, कैसे गलती पकड़े? किसी भी वाद भूमि और एक गांव में किसी भी व्यक्ति की अगर ऋण पुस्तिका है तो वो एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा ऋण पुस्तिका नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि एक गांव में एक ही व्यक्ति की एक ही वाद भूमि की चार ऋण पुस्तिकाएँ हैं, तो चार ऋण पुस्तिका जारी नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सभी सक्षम अधिकारी के समान हस्ताक्षर हैं, समान उसमें लिखावट है, इस तरीके से समझ में आया। और फिर हमने और अच्छे से देखा तो उसमें अलग से प्रिंट का पेज का जो कलर है, कलर डिफेक्ट समझ में आ रहा है, तो उस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कलर फोटोकॉपी है। मैम आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आगे हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिख दिया है, हमने अनुशंसा की है कि उनके विरुद्ध जो FIR दर्ज कराया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे भू अभिलेख के साथ छेड़छाड़ किया है। मान लीजिए मैडम उस व्यक्ति के प्रॉपर दाऊ सिंह जो है उनका चार जगह अलग अलग जमीन आएगा तो भी ऋण पुस्तिका रहेगी, एक गांव में एक ऋण पुस्तिका रहेगी, चाहे कितनी जगह भी जमीन है। हाँ, कितनी जगह जमीन है। थैंक यू।